बेस्ट तो देखते हैं यहाँ पे कैसा क्या कलेक्शन है और मैं इस बार आई थी कुछ न्यू लोकेशन ट्राई करने तो यहाँ पे कैसा क्या कलेक्शन है वही सो so गाइस आपको इस मार्केट में कैसे आना है वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ तो आपको आना है दादर वेस्ट अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आप दादर आ जाइए दादर वेस्ट में आप उतर जाइए वहाँ से बिल्कुल ही बाहर की साइड आप स्टेशन से निकलते हैं ना तो गाइस ये पूरा का पूरा आपको जो मार्केट है वो दिख जाएगा एंड गाइस यहाँ पर आज मैं पूरा का पूरा जो मार्केट है वो स्ट्रीट वाला ही कवर करूँगी आज मैं किसी भी पर्टिकुलर शॉप में जाके वीडियो नहीं बनाऊंगी ओनली स्ट्रीट मार्केट में दिखाऊँगी कि यहाँ पे कैसा क्या कलेक्शन है लाइक अभी आपको ये जितने भी दिख रहे होंगे वेडिंग के सीजन के हिसाब से दिख रहे हैं यहाँ पे एनी टाइम ये लेंगे वगैरह आपको दिखता है चाहे सीजन हो चाहे ना हो तो भी आपको यहाँ पे बहुत सारे लहंगा वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं और लहंगे का जो मैं प्राइस बताऊँ स्टार्टिंग प्राइस आपको पड़ेगा थाउजेंड रुपीज़ और लास्ट प्राइस आपको पड़ेगा ढाई तीन हज़ार के समथिंग तो ढाई तीन हजार वाले भी अलग लेंगे और हज़ार दो हज़ार वाले भी अलग जो मैंने अभी आपको आगे की साइड में जो लहंगे दिख रहे थे ना तो गैस उसमें आप जितना बार्गेनिंग करेंगे ना उतना आपको अफोर्डेबल प्राइस में पड़ेगा जितना आप बार्गेनिंग कर सकते उतना ज्यादा आपको रिजनेबल पड़ेगा एंड गैस ये वाले जो आपको korean dress is like a uh वन पीस वगैरह ये लॉन्ग ड्रेसेस वगैरह आपको दिख रही है तो ये आपको पड़ेगी अंडर ट्वेल्व हंड्रेड की समथिंग और ट्वेल्व हंड्रेड के अंदर भी आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाते हैं अगर आपको साइज वगैरह चाहिए तो भी मिल जाएगा इसमें भी बहुत सारे भैया के पास ऑप्शन है जैसे कि आपको ये दिख भी रही होंगी सारी की सारी ड्रेसेस अगर आप लॉन्ग ड्रेसेस देख रहे हैं तो ये वाली जो शॉप है वो ठीक है एंड बेस यहाँ पर पूरा स्ट्रीट मार्केट है तो मैं लैंडमार्क ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगी जो जो मुझे लगेगा वो वो मैं आपको लैंडमार्क आगे आगे दिखाती जाऊँगी तो ये बिल्कुल लाइन से ही पूरा का पूरा मार्केट है अगर आप आएँगे

गाइस आपको जितना बार्गेनिंग कर सकते हो ना उतना बार्गेनिंग करो यार स्ट्रीट में आप जितनी बार्गेनिंग अच्छी रखते हो ना उतना सस्ता आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाता है एंड गेस ये हैवी लेंगे की शॉप कहाँ लगती है वो मैं आपको थोड़ा सा लैंडमार्क बता देती हूँ गैस uh, जो फर्स्ट सिग्नल रहेगा ना अगर आप स्टेशन से आ रहे हैं आप सीधे सीधे चलेंगे ना तो वहाँ पे जो फर्स्ट सिग्नल लगता है उसके सामने की साइड टाइटन वाला उसके जस्ट सामने की साइड देखेंगे तो भैया का ये वाला शॉप लगता है और गैस एनी टाइम भैया शॉप लगाते हैं संडे भी ओपन रहता है आप कभी भी आइए यहाँ पे हमेशा भैया का चालू रहेगा एंड अगर ऑल लैंडमार्क चाहिए तो ये एस एम जी करके है ना यहाँ पे भी इनके सामने की साइड ही यहाँ पे भैया शॉप लगाते हैं अपना एंड गेस इनके पास हैवी में काफ़ी अच्छी अच्छी वराइटीज़ मिल जाती है लाइक like ये अगर ऑर्गेंजा में आपको कुछ लहंगा चाहिए तो वो भी इनके पास काफ़ी अच्छा ये औरगेंज़ा वाला भैया ने कुछ ढाई हज़ार रुपये प्राइस नहीं सॉरी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड की समथिंग प्राइस बताया था बट अगर आप बार्गेनिंग अच्छी करते ना तो गैस आपको सत्रह सौ अट्ठारह सौ रुपए में भैया इजीली दे देंगे बहुत अच्छी क्वालिटी वगैरह गैस काफ़ी ज़्यादा अच्छी उसका सबसे अच्छा उसका ब्लाउज है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा थारा 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 था एंड इस अगर इस टाइप में भी अगर आपको सूट्स वगैरह चाहिए कुछ मतलब वेडिंग के हिसाब से कुछ अगर Uh, वेडिंग वगैरह में आप व्ययर करना चाहें या फिर हल्दी हो गया किसी भी फंक्शन में अगर आप व्ययर करना चाहें ना तो ये वाले भी अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ये पड़ेंगे राउंडिंग आपको पंद्रह सौ के समथिंग एंड गई ये वाला जो है वो अफगानी पैटर्न है तो अफ़गानी पैटर्न का अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है तो ये आपको पड़ेगा कुछ एट के समथिंग अगर थोड़ा सा और बैगनी भैया तो वैसे बारह सौ बता रहे थे बट देने वाला जो प्राइस है वो एट हंड्रेड है उसमें वो दोनों कलर थे वो बहुत सुंदर लग रहा था गाइज़ बहुत अच्छा है एंड गईज और अगर आपको सेट uh, चाहिए तो वो भी अराउंडिंग आपको ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड थाउजेंड के हम समथिंग मिल जाएगा बट गईज़ यहाँ पे आपको बार्गेनिंग अच्छी रखनी है जितनी अच्छी आप बार्गेनिंग रखते हैं ना गईज़ उतना ज़्यादा आपको रिजनेबल प्राइस में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती गईज यहाँ पे ना एक आंटी हमेशा शॉप लगाते हैं इनका और ये बल्क में कुर्तीज़ लेके बैठे रहते हैं तो ये इनके पास काफ़ी अच्छी कुर्तीज के ऑप्शन थे बस यही है कि आपको छाट छाट के निकालना पड़ेगा बट कैसे इसकी जो क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और ये ओनली टू टू हंड्रेड रुपीज़ की थी तो गईस बहुत सुंदर कुर्तीज़ है यहाँ पे बस आपको छाट छाट के निकालना है या दो सौ रुपए में गई कुछ भी पुरानी क्वालिटी वगैरह अगर मैं बात करूँ काफ़ी ज्यादा अमेजिंग है एंड गेस इनका जो लैंडमार्क है वो मैं आगे कहीं शो कर दूंगी या फिर मैं यहाँ पे स्क्रीन पर कहीं लिख दूंगी ताकि आपको ईजी पड़ेगा एंड गेस यहाँ पे आंटी हमेशा शॉप लगाती है इनके पास काफी अच्छी कुर्तीस के कलेक्शन रहते हैं और हमेशा न्यू न्यू कलेक्शन आता रहता है अगर गईस आप दादर आते हैं अगर आपको दो सौ रुपए की कुर्ती चाहिए तो ये आंटी के यहाँ पे जरूर आ सकते हैं सच में लिटरली क्वालिटी काफ़ी ज्यादा अमेजिंग है बहुत अच्छी अच्छी कुर्ती थी जैसे आपको दिख भी रहा है एंड गस आंटी के पास शॉर्ट और लॉन्ग कुर्ती के दोनों के ऑप्शन है अगर किसी का प्लस साइज भी है ना तो प्लस साइज के लिए भी गाइस इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है एंड साइज़ इशू जिनको है उनके लिए यहाँ पे भी बहुत सारी कुर्तीज़ के ऑप्शन मिल जाते हैं गाइस प्लस साइज़ वाले जो भी रहेंगे एंड गाइस इनका जो लैंडमार्क है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ लैंडमार्क कहाँ पे है ये डी एम वी खतरी करके जो शॉप है उसके पास सामने पास में सीमा शॉप है उसके जस्ट सामने आंटी का शॉप लगता है शाम को लगता है एंड वो जो सिग्नल है वो भी आप नोट कर सकते हैं एंड वो जो पेड़ है ना गाइस वो भी आप नोट सकते हैं कि वो भी वो बस वो पेड़ याद रखो तो आपको ये शॉप इजीली मिल जाएगा गाइस एंड जस्ट उसके थोड़ा सा आगे आई उसके बाद पे एक भैया ना थ्री थ्री, थ्री हंड्रेड रुपीज में काफी सारे वन पीस सेल कर रहे थे एंड गाइस इनके पास भी बहुत अच्छा कलेक्शन था बट मैं ज्यादा दिखा नहीं पाई क्योंकि यहां पर गर्दी जो है वो बहुत ज्यादा थी एंड गाइस उसके जैस थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो ये प्लाज्मा सिनेमा करके है उसके जस्ट सामने की साइड में भी यहां पर मटीरियल काफी अच्छे मिल रहे थे सूट्स के काफी अच्छे अच्छे मटीरियल थे जैसे कि आपको दिख रहे हैं एंड गाइस ये वाला जो मैंने अभी ऐसे दिखा थी ना वो वाला कुर्ती काफी ज्यादा अच्छी कुर्ती नहीं वो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था इसमें ये ये सारे सारे के कलर्स मिल जाएंगे बट जो ब्लैक वाला जो कलर था ना वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था बहुत ज्यादा सबसे अच्छा उसका जो दुपट्टा है वो बहुत अच्छा लग रहा था एंड गैस इसका जो प्राइस है वो कुछ पंद्रह सौ रुपये भैया बता रहे बट बत आप बार्गेनिंग करने में एक्सपर्ट है ना तो आपको आठ सौ या नौ सौ में भैया इजीली दे देंगे मैंने जब बोला था भैया ने मुझे लास्ट एट हंड्रेड बताया था कि एट हंड्रेड में आपको मिल जाएगा क्या सच में इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अगर आप वेडिंग के हिसाब से भी कुछ देख रहे हैं ना तो इन अंकल के पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा एंड डेलीवेयर के हिसाब से भी भैया के पास बहुत अच्छा अच्छा ऑप्शन है वो आपको पड़ेगा ओनली फाइव हंड्रेड फो हंड्रेड के समथिंग डेली वेयर के हिसाब में मिल जाएंगे एंड उससे थोड़ा और हैवी में जाते हैं तो आपको हज़ार रुपये बारह सौ रुपये छः सौ रुपये ऐसे मिल जाएंगे काफ़ी अच्छी मटीरियल के ऑप्शन है यहाँ पे एंड गेस बस उसके जो मटीरियल वाला शॉप थे ना उसके थोड़ा सा आगे की साइड आएंगे ना तो यहाँ पे एक भैया ना शॉप लगाते हैं अपना ओनली जयपुरी जो प्रिंट कुर्तीज होती है ना उनका काफी अच्छी यहाँ पे आपको शॉर्ट कुर्तीज मिल जाएंगी बहुत अच्छी है और ये सारे के सारे कॉटन मटेरियल में मिलेगा और इसमें भी आपकर आपको साइजेस चाहिए गए साइजेस भी काफी अच्छे मिल जाएंगे यहाँ पे डबल एक्सल तक यहाँ पे आपको साइजेस अवेलेबल हो जाएगा मीडियम टू डबल एक्सल तक एंड गए सच में इनके पास ना काफी अच्छी क्वालिटी की ये कुर्तीज़ है एंड ओनली इसका जो प्राइस है ओनली गई टू फिफ्टी रुपीज है टू फिफ्टी के हिसाब से गई सच में अच्छी है एंड अगर अभी समर आ गए समर के हिसाब से भी अगर आप ये कुर्ती वगैरह लेना चाहें तो यहाँ पे आप आ सकते हैं इनका जो लैंडमार्क है वो मैंने बता दिया आ, प्लाजा सॉरी प्लाजा सिनेमा है उसके जस्ट सामने की साइड भैया का हमेशा शॉप लगता है संडे को भी चालू रहता है अगर आप आए तो यहाँ पे जरूर आना एंड सच में इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है समर के हिसाब से बहुत अच्छी मैंने भी यहाँ से कुर्ती ली थी और मैंने खादी मटेरियल में ली थी वो बहुत सुंदर लग रही है गाइस एंड इनके पास जितनी भी कुर्ती है ना सब में डिफरेंट डिफरेंट अगर आपको पैटर्न चाहिए तो पैटर्न भी मिल जाएंगे एंड उसमें भी साइज अवेलेबल रहेगा उसमें भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे काफी अच्छी कुर्ती है इस सच में अभी जो मैंने आपको शॉप दिखाई ना कुर्ती वाली शॉर्ट कुर्ती वाली बस उसके थोड़ा सा आप आगे की साइड आएंगे वही प्लाजा सिनेमा के जैसा सामने इनका भी शॉप लगता है एंड गस इनके पास ना कुर्ती के काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे लॉन्ग कुर्ती में बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है जैसे आपको दिख भी रहा मैं आपको और आगे आगे दिखाती हूँ काफ़ी अच्छे कलेक्शन है और जितनी भी आपको कुर्ती दिख रही है अगर आप कॉटन मटेरियल में ले रहे हैं या फिर चिकनकारी कुर्ती में ले रहे हैं इनके पास बहुत सारी वेराइटीज़ है गई अलग अलग और इनका जो प्राइस है ऑनली सिक्स हंड्रेड है गई सिक्स के हिसाब से क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है एंड के पास भी साइजेस भी काफ़ी सारे अवेल अवेलेबल है डबल एक्सल थ्री एक्सल फोर एक्सल तक भैया के पास इजीली साइजेस भी अवेलेबल है का सच में कुर्ती का कलेक्शन बहुत अच्छा है कलर ऑप्शन भी बहुत सारे मिल जाएंगे बस फिक्स प्राइस है सिक्स हंड्रेड में ही भैया देंगे शायद अगर आप पाँच छः पीस लेते हैं तो भैया थोड़ा सा कम कर देंगे कई सच में यहाँ पे आप ज़रूर आना बहुत अच्छी अच्छी कुर्तीज मिलती है एंड गीस अगर आपको ये व्लाग जो है अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दो मिलो जल्दी Bye guys!